सो वेलकम एवरीवन। हम लोग अपने कॉमर्स क्लास 11 आईएससी के जर्नी में वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे पहुंच गए हैं। द चैप्टर्स नेम इट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को शॉर्ट में हम लोग सिर्फ कंपनी बोलते हैं। जो नॉर्मल बिजनेस टर्मिनोलॉजीज है, जो नॉर्मल हम लोग मार्केट में वर्ड यूज़ करते हैं, वो कंपनी वर्ड यूज़ करते हैं। फुल जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसे करके कोई नॉर्मल अपने बोलचाल में यूज़ नहीं करता, ठीक है। सो तो आई विल ऑल्सो बी यूजिंग द टर्म कंपनी ओनली इन दिस चैप्टर। जगह जगह पे आई विल बी यूजिंग द टर्म कंपनी ओनली। हाउएवर द प्रॉपर टर्म इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो प्रॉपरली अगर बोलना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलना चाहिए, बट ऐसे डे टू डे लैंग्वेज में वी डोंट से जॉइंट स्टॉक कंपनी, वी जस्ट से कंपनी, ठीक है। कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, बिकॉज ये अगले दो तीन चैप्टर्स तक चलेगा। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेसिक्स। अगले चैप्टर में वी विल सी वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। उसके बाद फिर वी विल सी हाउ टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। एंड देन आगे आने वाले चैप्टर्स भी जो होंगे, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज का चैप्टर रहेगा, होलसेल रिटेल ट्रेड का चैप्टर रहेगा, या आगे और भी चैप्टर्स आएंगे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, तो उनमें भी कंपनीज का ना थोड़ा बिट्स एंड पार्ट्स उसमें भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी वाला चैप्टर आप बस इसी में पढ़ रहे हैं। कंपनी का चैप्टर जो है, अभी तो दो तीन चैप्टर बैक टू बैक वी विल डू बेस्ड ऑन कंपनीज, बट इसके बाद भी जो हम लोग कुछ अपने सिलेबस में आगे चैप्टर्स करेंगे, उसमें भी कंपनीज का आपको थोड़ा थोड़ा वो क्या बोलते हैं कैमियो मिलता रहेगा, ठीक है, जो मूवीज में होता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपनी का चैप्टर। सबको ही नोट्स डाउनलोड कर लेना, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मिल गया होगा, और अगर मेरे स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड। आप टेलीग्राम पे जाके अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड सर्च करना, तो आपको वहां पर ये चैप्टर 7 और चैप्टर 8 एक साथ क्लब करके ये नोट्स मिल जाएगा। नोट्स को प्रिंट करा लेना, ऐसे पीडीएफ से पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मीनिंग पे आएंगे सीधा, और मीनिंग पे क्या बोला गया है, मीनिंग तुम देखोगे तो मोर और लेस जो फीचर्स है ना, फीचर्स को क्लब करके बना दिया गया है। मतलब हम लोग जो फीचर्स देखेंगे कंपनीज़ के, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के, उन्हीं को मिला जुला कर मीनिंग बना दिया गया। लेट अस सी, यहाँ पे बोल रहा है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड उसको बोलते हैं जिसको रजिस्टर्ड कराना, रजिस्ट्रेशन जिसका ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जब आप गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बन जाओ, मतलब गवर्नमेंट के पास आपका रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है। तो आपको अपना कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपना बिजनेस रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो अगर आप रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आपको इनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है जैसे सोल ट्रेडर, तो आपको अनइनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं, ओके। और कंपनी के साथ क्या होता है, कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा पॉइंट नंबर 1 फीचर, हम लोग डिटेल में इस पे बात करेंगे क्या होता है इसका मतलब, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब। और कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके मेंबर्स आए या जाए, ठीक है। मेंबर्स में कम एंड गो, बट अ कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, ठीक है। ये कोई सोल ट्रेडर बिजनेस नहीं है कि मेंबर नहीं रहा तो ये बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप नहीं है कि पार्टनर चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। ये कंपनी है, ये मेंबर के आने जाने से डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल मतलब जो अनडिफाइंड पीरियड तक चलेगा, ठीक है। तो आप बता नहीं सकते कि कब तक, इट कैन गो ऑन फॉर एवर, ठीक है। लॉ हैज क्रिएटेड इट एंड लॉ विल ओनली एंड इट। और कंपनी का क्या होता है, एक कॉमन सील होता है। कॉमन सील किसको बोलते हैं, कंपनी के स्टैंप को, जो रबर स्टैंप होता है ना डॉक्यूमेंट्स में, जो स्टैंप मारते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंपनी का वो जो रबर स्टैंप है उसको बोलते हैं कॉमन सील। तो हर कंपनी का अपना एक स्टैंप होना चाहिए जो कि कंपनी के सिग्नेचर के तरह यूज किया जाता है। कंपनी के जो मेंबर्स होंगे उनका लायबिलिटी लिमिटेड होगा। इसको हम लोग दो तीन चैप्टर से डिस्कस करते आ रहे हैं। लायबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब है कि मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। अगर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी आउटसाइडर्स को कोई पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी से कुछ भी रिकवर नहीं किया जाएगा। इफ़ अ कंपनी हैज़ टेकन लोन
फ्रॉम एनी बैंक, मान लो कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम एनी बैंक एंड द कंपनी इज नॉट बीइंग एबल टू रीपे, देन दैट लोन विल बिकम बैड डेट, बट कंपनी के जो ओनर्स है, कंपनी के जो मेंबर्स है, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं लिया जाएगा, इन लोगों का लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड मान के चलते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, तो लॉ के द्वारा क्रिएटेड है, तो लॉ ही इसको ख़त्म करेगा। लॉ बनाता कैसे है, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो कंपनी एग्जिस्टेंस में आया है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आते हैं हम लोग फीचर्स पे। अच्छा, फीचर नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केस स्टडी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फीचर नंबर वन बोलता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। नाउ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मीनिंग है कि ओनर एंड द कंपनी आर सेपरेट। हम ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि ओनर और कंपनी एक ही है, क्योंकि ओनर जो चाहेगा कंपनी में तो वही होगा, ओनर ही कंपनी में पैसा देता है, ओनर ही कंपनी के डिसीजंस लेता है, तो ओनर और कंपनी तो एक होना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। बट लॉ इस तरीके से नहीं मानता, लॉ के नज़र में, इन द आइज ऑफ लॉ, ओनर इज डिफरेंट एंड कंपनी इज डिफरेंट, ठीक है। तो अगर कंपनी ने कुछ गलती किया है तो पनिशमेंट कंपनी को मिलना चाहिए, पेनल्टी भी कंपनी को लगना चाहिए, नॉट द ओनर, बिकॉज दोनों अलग अलग माने जाते हैं। इसमें देखो एक केस स्टडी यहाँ पे दिया हुआ है सलोमन एंड सलोमन कंपनी के बारे में। इसमें क्या है, देयर इज वन पर्सन जिसने अपने ही नाम से एक कंपनी खोला है, ठीक है। पर्सन का नाम है सलोमन, सलोमन ने अपने ही नाम से एक कंपनी खोला है, ठीक है, और उस कंपनी ने लोन लिया है, कुछ लोगों से लोन लिया है, एंड वन ऑफ द लोन गिवर टू द कंपनी, ठीक है, वन ऑफ द लोन गिवर टू द कंपनी इज द ओनर हिमसेल्फ। तो ओनर ने कंपनी को लोन दिया, अदर्स ने भी कंपनी को लोन दिया, और कंपनी के बुरे दिन आ गए, ठीक है, मान लो कंपनी के बुरे दिन आ गए। इस केस में ऐसा ही हुआ था कि कुछ लोगों ने कंपनी को लोन दिया, जिसमें से ओनर भी एक मेंबर था, ओनर ने भी लोन दिया था, क्योंकि कंपनी अलग है ओनर अलग है, तो ओनर ने लोन दिया, कुछ और लोगों ने भी लोन दिया कंपनी को। अब हुआ क्या, कंपनी के खराब दिन आ गए, कंपनी के बुरे दिन आ गए, और कंपनी वॉज नॉट एबल टू रीपे, कंपनी सबको रीपे नहीं कर पाएगी, कंपनी के पास कम पैसा है और लौटाना ज़्यादा पैसा है। तो इसमें क्या हुआ ना, जो बाकी के जो क्रेडिटर्स थे, बाकी के जो लोन गिवर्स थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने बोला कि पहले पैसा हम लोगों को मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सलोमन है ये तो खुद ही ओनर है, इसको आप क्रेडिटर के हिसाब से पैसा मत दो। इन लोगों ने मैटर को कोर्ट में लेकर गए और कोर्ट में जा करके ये बात किया कि सलोमन जो है वो तो मेंबर, वो तो ओनर है कंपनी का, उसको आप लेंडर की तरह मत ट्रीट करो, वी आर द लेंडर्स, हम लोग आउटसाइडर है, पहले पैसा हमें मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, सलोमन को हम लोग कंपनी के जैसा नहीं मान के चल सकते, क्योंकि सलोमन एक इंडिविजुअल पर्सन है और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दोनों सेपरेट है, और हम लोग सलोमन को भी एक लोन गिवर मान के चलेंगे, उसको भी एक क्रेडिटर मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोन की जगह डिबेंचर्स लिखा है, विच इज़ अ टाइप ऑफ लोन ओनली, तो हम लोग उसको एक लोन गिवर मान के चलेंगे, ठीक है, हम उसको और कंपनी को सेम नहीं मान सकते। तो इस केस स्टडी में ये एस्टैब्लिश हो गया दैट अ लोन गिवर, सॉरी द ओनर ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, बोथ हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, दोनों अलग अलग है, ठीक है, ओके। परपेचुअल सक्सेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी को लॉ ने बनाया तो लॉ ही उसको एंड करेगा, ठीक है। मेंबर का आना जाना लगा रहेगा बट कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक अलग टाइप का बिजनेस है। इससे पहले जो बिजनेस हमने देखा था पार्टनरशिप सोल ट्रेडर, उसमें ऐसा था कि अगर मेंबर चला गया तो कंपनी बंद हो जाएगा, सॉरी पार्टनरशिप बंद हो जाएगा या फिर सोल ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन बिकॉज अदर मेंबर्स होते ही हैं, तो एक दो के आने जाने से या किसी के भी, सारे मेंबर्स के चले जाने से भी कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है, ओके। इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल मेंबर्स डाई, ठीक है, मान लो कंपनी के चार पांच मेंबर्स थे और चार पांच मेंबर्स सब मर गए, ठीक है, हो ही सकता है ना, पिकनिक पे जा रहे थे, एक ही गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सब मर गए, कंपनी के सारे मेंबर्स मर गए, अब क्या होगा, कंपनी नहीं बंद होगा, गवर्नमेंट विल टेक इट ओवर बट कंपनी बंद नहीं होगा,
ठीक है, ओके। कंपनी सिर्फ एक ही केस में बंद होता है, वाइंड अप। ठीक है, वाइंड अप एक लीगल प्रोसीजर है, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वैसे ही वाइंड अप होता है उसको बंद करने के लिए। तो बस वाइंड अप के अलावा और कभी कंपनी बंद नहीं होगा। ओके, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट हम लोग बहुत बार समझ चुके हैं। लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे होता है मेंबर्स का, बाकी केसेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता था। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है इफ़ द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट टू पे टू द आउटसाइडर्स, देन जो मेंबर्स है उनसे आप एक्स्ट्रा कुछ रिकवर नहीं करा सकते हो। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब देखो कंपनी के मेंबर कैसे बनते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। हाउ डू वी बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो ये रहा एक कंपनी। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान से समझो, ये रहा कंपनी। और कंपनी के एज यू नो कैपिटल होता है, कंपनी में जो पैसा लगाता है कंपनी का कैपिटल होता है। मान लो इस कंपनी का कैपिटल है 100 रुपीज, सपोज पूरे कंपनी में 100 रुपीज है। ठीक है, एंड दिस 100 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो क्या हो गया 50-50 का हो गया ना, 100 वाज द टोटल एंड वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये ईच पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक शेयर। ठीक है, ये कैपिटल का एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर, तो ये शेयर है। अब इस कंपनी में टोटल 2 शेयर है, तो अगर आपको इस कंपनी का मेंबर बनना है तो आपको एक शेयर क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बाई अ शेयर। ठीक है, तो आप कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, एक शेयर खरीद रहे हैं, शेयर का हिंदी मतलब होता है हिस्सा, तो आप कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हैं, कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, आप कंपनी का कैपिटल में हिस्सेदारी ले रहे हैं। ठीक है, तो बाई कर रहे हैं, आपको शेयर मिल जाएगा, बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड अ शेयर, ये आपने शेयर खरीदा। बट आपको आगे जाके लग रहा है कि यार कंपनी में ना कोई फ्यूचर नहीं बचा, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रहा, इससे बढ़िया तो हम शेयर बेच के निकल जाए, तो क्या आप किसी और को शेयर बेच सकते हैं? ठीक है, मान लो आप मिस्टर ए हैं, तो क्या आप किसी मिस्टर बी को शेयर बेच सकते हैं? ऑफकोर्स आप ये शेयर मिस्टर बी को ट्रांसफर कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसफर इट। ठीक है, इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट अभी के लिए इतना मान के चलो कि हाँ शेयर बेच के हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर आता है कॉमन सील, पॉइंट नंबर 5, कॉमन सील। अब देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये हमने डिस्कस किया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का अपना एक एग्जिस्टेंस है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकती है। तो देखो प्रॉपर्टी खरीदने में, बैंक अकाउंट में, बिजनेस डीलिंग में सिग्नेचर तो करना पड़ेगा ना। अब कंपनी का तो अपना हाथ पैर है नहीं, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका अपना कोई हाथ पैर तो है नहीं, तो साइन कैसे होगा? तो साइन किया जाता है थ्रू रबर स्टैंप, वो स्टैंप मारा जाता है पेपर्स पे, ठीक है, जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है, तो उस रबर स्टैंप को हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। और ये कंपनी के कुछ खास लोगों के पास होता है, जो पावरफुल लोग हैं कंपनी के, जो मैनेजिंग पोजीशन पे है उनके पास ये स्टैंप रखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, फिर नंबर 6 पॉइंट काइंड ऑफ रिपीटेशन हो रहा है। नंबर 6 में बोल रहा है सेपरेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, मतलब कि ओनर कोई और होगा और कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। देखो कंपनी के ओनर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला है। ठीक है, कंपनी ये रहा आपका कंपनी, ठीक है, और ये रहा कंपनी का फंड्स, तो ये कंपनी के फंड्स है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी इस कंपनी के झोले में पैसा डाला है, जिन लोगों ने भी कंपनी में पैसा डाला है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पैसे डालेंगे इसमें। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल कंट्रीब्यूट अमाउंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ओनर्स। क्या बोलते हैं? ओनर्स, ये दोनों ओनर है। ठीक है, बट इन दोनों को कंपनी चलाना नहीं आता, इन दोनों का मान लो साइंस बैकग्राउंड है, तो ये तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं नहीं, तो इनको कंपनी चलाने का कोई नॉलेज नहीं है। दे हैव मनी, दे हैव आइडिया, बट दे डोंट हैव द एक्सपर्टीज टू रन अ कंपनी। तो इन लोगों ने क्या किया, 2 टैलेंटेड कॉमर्स लोगों को हायर किया। ठीक है, 2 टैलेंटेड कॉमर्स वाले लोगों को हायर किया, एक CA है, एक MBA है। ठीक है, ऐसे 2 लोगों को हायर किया और बोला कि आप दोनों इस कंपनी को चलाओ, बिकॉज हम लोगों को चलाना नहीं आता, हम लोग पैसा वैसा दे दे रहे हैं, आप लोग बैठ के कंपनी चलाओ। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग मैनेजर्स बोलेंगे। इनके हाथ में क्या आ जाएगा, इनके हाथ में कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो मैनेजर्स हो जाएंगे, ये कंपनी को चलाने वाले लोग रहेंगे। तो कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, कंपनी के चलाने वाले लोग अलग होते हैं, जो चलाते हैं उसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, और जो ओन करते हैं उनको हम लोग ओनर्स, इनको शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स
इनको शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं, इन्होंने कंपनी का शेयर होल्ड कर रखा है। और जो सामने वाले लोग हैं ये लोग कंपनी के केस में डायरेक्टर्स कहे जाते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज डायरेक्टर्स। तो आगे ऐसा वर्ड फिर से आएगा तो ध्यान रखना, शेयर होल्डर का मतलब होता है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, और डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनको हायर किया गया है कंपनी चलाने के लिए। शेयर होल्डर्स के को क्या मिलता है? प्रॉफिट। और डायरेक्टर्स को क्या मिलता है? सैलरी। डायरेक्टर्स सैलरी के बदले में काम करते हैं, डायरेक्टर्स बड़े पोजीशन पर बैठे हुए होते हैं, वो कंपनी को चला रहे होते हैं, दे गेट सैलरी। बट इन डायरेक्टर्स को रखने वाला कौन होता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मालिक होता है कंपनी का और उसको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ओके, लास्ट पॉइंट नंबर 7 आ रहा है इसमें, वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है, आई थिंक इसके बाद भी पॉइंट्स हैं, हाँ अभी और 3 पॉइंट है, बट वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब होता है जहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको रहना ही पड़ेगा, आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। आपका मन है तो बनो मेंबर, नहीं मन है तो अपना शेयर बेच के निकल लो, ठीक है। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब जब आप लॉ में रजिस्टर करा देते हो कंपनी को, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है, अभी 2013 चल रहा है, जो पुराने वाले कंपनीज है 1956 में रजिस्टर हुए थे, तो अभी जो 2013 का एक्ट है, तो अगर आप अपने कंपनी को रजिस्टर करा रहे हैं, ठीक है, तो आपका कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, लॉ के नज़र में वो एक अलग ही पर्सन है, ठीक है, और वो आर्टिफिशियल है मतलब वो नेचुरल पर्सन नहीं है, ठीक है। इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, ठीक है, बस लॉ के नज़र में वो एक अलग से पर्सन माना जाएगा। कॉरपोरेट फाइनेंस, कॉरपोरेट मतलब ये जो कंपनी है ना, इसी को कॉरपोरेट बोल रहे हैं हम लोग, कॉरपोरेट फाइनेंस। इनका जो पैसा है उसको हम लोग कॉरपोरेट फाइनेंस बोलेंगे। आई थिंक इसका लॉजिक हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं शेयर कैपिटल के बारे में, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू ओवर हियर। जैसे कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो अगर 100 है, उसको आप दो पार्ट में बांट दो, तो एक एक जो पार्ट होगा वो 50-50 रुपीज़ का होगा, और उस एक एक पार्ट को बोलेंगे क्या? शेयर। जो कैपिटल है, कैपिटल को जो आपने बांटा उसको क्या बोलेंगे? उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। एक एक जो पार्ट रहेगा उसको शेयर बोलेंगे, टोटल को शेयर कैपिटल, और जो एक एक पार्ट है उसको शेयर बोलेंगे। अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको ये शेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट कैपिटल एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पे लॉ का बात किया जा रहा है, स्टैट्यूटरी इज समथिंग रिलेटेड टू लॉ। तो गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल्स थ्रू कंपनी लॉ। सरकार ने लॉ बना रखा है कंपनी को लेके, और कंपनी का कोई भी एक्टिविटीज़ होता है ना, तो वो कंपनी लॉ को अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंपनी लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी लग सकता है। तो अ कंपनी हैज़ टू फॉलो कंपनी लॉ, अगर वो इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी लॉ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी, ये आप खुद से गो थ्रू कर लेना। इसमें बस एक करेक्शन हम बता देते हैं, सिंस दिस इज़ अ पिक्चर टेकन फ्रॉम द बुक, तो ये बुक वाला पिक्चर है, इसमें एक फॉल्ट है बिकॉज ये पुराना एडिशन था। ये जो पॉइंट नंबर 4 आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 में पार्टनरशिप वाले में ये जो मैक्सिमम मिनिमम ऐसा कुछ लिखा है ना, ऐसा आज के डेट में कुछ नहीं है। मिनिमम तो 2 होने चाहिए, बट मैक्सिमम इज 50। इन टूडेज टाइम इट इज 50। तो आप बस ये पॉइंट नंबर 4 जो है, ये पॉइंट नंबर 4 को करेक्ट कर लेना, एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 4, बाकी सब पॉइंट फिर ठीक है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, डिफरेंसेज आई एम नॉट डूइंग। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है। आई थिंक हमने अच्छा खासा पार्ट किया है, आई थिंक हम लोग पिछले 20 मिनट लगभग होने चले, ठीक है, 18-20 मिनट होने चले, तब से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एक बार पढ़ लो पूरा चीज़ एंड फिर आगे चलना, ठीक है। मेरा वीडियो वन शॉट चलेगा, बट डज नॉट मीन्स कि आपको भी वन शॉट देखना है। तो आप यहाँ पे ब्रेक ले लो, आई एम अज्यूमिंग कि आपने ब्रेक ले लिया है एंड यू आर बैक नाउ। और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या पर्पस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का पर्पस क्या है, क्यों बनाया जाता है, मतलब कंपनी फॉर्म का बिजनेस का क्या जरूरत है। सोल ट्रेडर तो चल ही रहा था, थोड़े ज़्यादा मेंबर चाहिए तो पार्टनरशिप तो चल ही रहा था, ठीक है। फिर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड फॉर अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो अपने देश में क्या है ना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए हमारे देश में। देखो दुनिया में जो भी देश इकोनॉमिकली आगे बढ़े हैं, ठीक है, ऑल दोज कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव गॉन अहेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, वो सब के सब देश इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज है, ठीक है। आप अमेरिका देख लो, जर्मनी देख लो, फ्रांस, रशिया, चाइना,
यूके, एवरी कंट्री हु हैज़ गॉन अहेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी आर ऑल इंडस्ट्रियल कंट्रीज, इंडस्ट्री बेस्ड कंट्रीज। तो इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, अपने देश में भी इंडस्ट्री बढ़ रहे हैं और भी ज़्यादा बढ़ने चाहिए। और इंडस्ट्री सेटअप करना, इंडस्ट्री मतलब समझते हो ना, चैप्टर नंबर 3 में हमने किया था, इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे गुड्स बनाया जाता है उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। तो इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसा बहुत लगता है, क्योंकि एक तो आपको फैक्ट्री सेटअप करना होगा, मशीन लाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जिनको मशीन चलाना आता है, रॉ मटेरियल खरीदो, गुड्स बनाओ, गुड्स को प्रिजर्व करके रखो, गुड्स को भेजो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड ये तभी पॉसिबल है जब बहुत ज़्यादा पैसा होगा। और बहुत ज़्यादा पैसा सोल ट्रेडर के पास तो नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा पैसा पार्टनरशिप में नहीं हो सकता जहाँ मैक्सिमम 50 लोग अलाउड है। यू नीड ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे करोड़ों में पैसा हो, एंड फॉर दैट यू नीड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिकॉज यहाँ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आता है, एंड देयरफॉर द ह्यूज फंड्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, देखो लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा स्केल में ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स होंगे, और ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आपके पास तभी होंगे जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करेंगे। अकेले बिजनेस करोगे सोल ट्रेडिंग में, यू वोंट गेट मनी, लॉट ऑफ मनी। आप पार्टनरशिप में भी बिजनेस करेंगे तो मैक्सिमम तो 50 लोग ही हो सकते हैं, बट कंपनी में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट मेंबर्स हो सकते हैं। तो देयर यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, देखो अपने कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट उनको यूज़ करने के लिए, अगेन देखो वही बात आ जाता है, फंड्स का बात आ जाता है, उनको यूज़ करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, आपको एक्सपर्ट लोग चाहिए। जहाँ पे भी कुछ भी चाहिए होता है वहाँ पैसा भी चाहिए होता है, और पैसा सिर्फ ऐसी कंपनीज के पास ही होता है, बाकी लोगों के पास छोटा छोटा अमाउंट होता है। तो देयरफॉर कंपनी के रिसोर्सेज को अगर ढंग से यूज़ करना है तो देयर हैज़ टू बी कंपनी, कंट्री के रिसोर्स को अगर अच्छे से यूज़ करना है तो वो कंपनी ही कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्स। आइडियल रिसोर्स मतलब वो जो कि यूज़ नहीं हो रहा है, अनटैप्ड रिसोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अनटैप्ड रिसोर्स है, स्कैटर्ड हो सकता है रिसोर्स। ठीक है, कुछ रिसोर्स आपको एक जगह मिल रहा है, कुछ रिसोर्स अलग जगह मिल रहा है, उन सब को चैनलाइज करना, मोबिलाइज करना, एक साथ लेकर उसको यूज़ करके कुछ बनाना, ये बहुत बड़ा काम होता है, और बड़ा काम बड़े बिजनेस ही कर सकते हैं। देयरफॉर कंपनीज do these kind of business also, and देश को self reliant बनाने के लिए, देश को self dependent बनाने के लिए। देखो देश में industry लगेगा तो देश में ही production हो जाएगा, अगर India में ही production हो जाएगा तो हमें दूसरे देशों पर depend नहीं होना पड़ेगा। तो country को self dependent बनाने के लिए भी large scale production करना पड़ेगा। Sole trader क्या करता है ना, छोटा छोटा amount में business करता है। अगर वो पहले बात तो sole trader एक trader है, वो industry setup करता नहीं है। ठीक है, बट सोल ट्रेडर अगर मान लो इंडस्ट्री लगा भी लिया, छोटा मोटा वो प्रोडक्शन करने भी लगा, तो उसका स्केल उतना बड़ा नहीं होता, वो कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने लायक प्रोडक्शन नहीं करता है। बट कंपनीज ये चीज़ कर सकती हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बोल रहा है कि अगर हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह ये सब पे ध्यान दें, ये सब प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो हमारा इम्पोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये हमें फ़ायदा होगा, किसी और से खरीदना नहीं पड़ेगा। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ आज हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं उसी के जैसा कोई सब्स्टिट्यूट अगर इंडिया में तैयार कर ले तो हमारे को खर्चा कम लगेगा, एंड वी कैन रादर एक्सपोर्ट, और ज़्यादा कमा सकते हैं। तो कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस चले हमारे देश में। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अभी मेरिट और डीमेरिट करेंगे एंड देन द चैप्टर विल बी ओवर। तो फोकस करना, अगर आपने अभी तक फोकस किया है तो आपको मेरिट्स करने में उतना दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज वही सब पॉइंट काइंड ऑफ घुमा फिरा के रिपीट होंगे। पहला पॉइंट बोल रहा है लार्ज कैपिटल रिसोर्स। देखो यहाँ पे बात करना, कंपनी कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी होता है, पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एनी अमाउंट ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। तो मेंबर्स जब ज़्यादा होते हैं ना तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। पार्टनरशिप में क्या है, मैक्सिमम 50, तो पैसा कितना आएगा, 50 लोग ही पैसा डाल पाएंगे। सोल ट्रेडर में ओनली 1%, तो पैसा कितना आएगा, कम पैसा ही आएगा। बट
कंपनी फॉर्म में देर कैन बी अनलिमिटेड मेंबर्स, और जब मेंबर्स अनलिमिटेड होंगे तो पैसा भी अनलिमिटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा मिल जाता है रिसोर्स का, कि रिसोर्स कैन बी अनलिमिटेड। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी, बहुत अच्छा पॉइंट है। मेंबर्स को अगर अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बचा के रखना है तो लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहिए, विच इज़ कंपनी फॉर्म। ये बहुत बार समझाया हुआ है तो आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डिटेल्स। नंबर थ्री में बोल रहा कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टेंस, मेंबर्स कैन कम एंड गो बट कंपनी का एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा बिजनेस चाहिए जो कि मेंबर्स प्रूफ बिजनेस हो, कि मेंबर्स आए या जाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहिए। अ कंपनी गोज ऑन एंड ऑन, इट डज नॉट कम्स टू एन एंड बिकॉज ऑफ अ मेंबर कमिंग एंड गोइंग, ठीक है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, ये पॉइंट हम आपको समझा चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पे आई टोल्ड यू कि ओनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होता है। मैनेजमेंट इन लोगों को बोलेंगे जिनके हाथ में कंट्रोल है कंपनी का। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ओनर में वो कैपेसिटी नहीं है, ओनर को मान लो नहीं आता बिजनेस चलाना, देखो हो सकता है आपके पास आइडिया है, हो सकता है आपके पास पैसा है, बट आपके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं है वो करने के लिए, तो आप किसी को हायर कर लो जिसके पास स्किल्स है। तो इसमें क्या है ना, मैनेजमेंट कम से कम अच्छा होगा, ठीक है। सो यू हैव एन आइडिया, यू हैव मनी एंड यू हायर्ड समवन टू डू द वर्क, तो इसमें क्या होगा कि कंपनी को लॉस नहीं होगा, कि कंपनी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय एफिशिएंट पीपल। तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट नंबर फोर में, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आपको नहीं पसंद आ रहा है कंपनी, शेयर किसी और को देके निकल लो। यहाँ पे जैसे ट्रांसफर का हमने बात किया ना, कि ए को अगर नहीं पसंद आ रहा था कंपनी तो वो बी को दे के निकल लेगा, ठीक है, या किसी को भी दे देगा जिसको लगता है कि कंपनी अच्छा है। मेरे को नहीं लगता कि कंपनी अच्छा, बट लोगों का अलग अलग व्यू होता है। आई डोंट थिंक द कंपनी इज गुड बट समवन एल्स थिंक द कंपनी इज गुड, तो हम उसको दे के टाटा बाय बाय, ठीक है, ओके। नंबर सिक्स बोल रहा है इकोनॉमीज ऑफ सेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पॉइंट बार बार आगे भी आएगा। इकोनॉमीज ऑफ सेल, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी सेल नहीं, स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ व्हाट इज दिस स्केल, मतलब लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है। देखो जब आप कोई चीज़ बड़े लेवल पे करते हैं, जब आप कोई चीज़ ह्यूज अमाउंट में करते हैं, तो आपको कुछ फायदे होते हैं, उन फायदे को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज। इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब आप कोई चीज़ बड़े अमाउंट पे करते हैं, मान लो आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप रॉ मटेरियल ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ छोटे अमाउंट में खरीदते हैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, बट जब आप चीज़ लार्ज अमाउंट में खरीदते हैं तो सप्लायर आपको डिस्काउंट दे देता है। तो काफ़ी सारा फायदा होता है आपको जब आप बड़े स्केल पे चीज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे, बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं व्हेन यू डू थिंग्स ऑन अ लार्ज स्केल, तो ये फायदा कंपनीज को मिलता है। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एज पर द सिलेबस, सिलेबस में जो बोला हुआ है बस वही कर रहे हैं, ठीक है। तो एज पर द ISC सिलेबस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डीमेरिट्स, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है आसपास। सो डीमेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, आई थिंक ये थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, जल्दी ख़त्म करते हैं बिकॉज थोड़ा काम स्टार्ट हो रहा है इधर उधर, ठीक है, ओके। डीमेरिट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। पहला आता है लीगल फॉर्मेलिटीज़। आप देखो सोल ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, सोल ट्रेडर को बस पैसा चाहिए होता है, वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है। पार्टनरशिप में क्या चाहिए होता है, पार्टनरशिप में बस पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट, ठीक है, थोड़ा सा इस नॉइज़ को इग्नोर करना, बस 5 मिनट का बात है। पार्टनरशिप में क्या चाहिए होता है, पार्टनरशिप में हमें चाहिए होता है पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको किसी CA या CS या लॉयर का हेल्प लेना पड़ेगा, प्रॉपरली कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक झमेला वाला काम आ जाता है, इसमें थोड़ा खर्चा भी लग जाता है, लीगल फॉर्मेलिटीज, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, तो थोड़ा वो उस हिसाब से डीमेरिट है। लैक ऑफ मोटिवेशन, ये जो डायरेक्टर लोग है, आप देखो इन लोगों के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, ठीक है, इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। आप एक चीज़ समझो, इन लोगों के बारे में बात हो रहा है, आप एक चीज़ समझो, ये जो लोग है जो मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, इनको क्या मिलता है, इनको तो मिलता है सैलरी, है ना, तो और प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, प्रॉफिट तो ये लोग लेके जाएंगे जो कुछ कर भी नहीं रहे काम, जिन्होंने खाली बिजनेस स्टार्ट करके छोड़ दिया है, इनको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो ये जो डायरेक्टर लोग हैं ना, इनको लगेगा कि यार मेहनत हम लोग इतना कर रहे हैं, प्रॉफिट उधर चला जा रहा है, अपने को तो फिक्स सैलरी मिल रहा है, तो यहाँ पे ना मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, काम करने का एक मोटिवेशन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। पर्सन को लगता है कि वाई शुड आई वर्क सो हार्ड व्हेन द होल प्रॉफिट इज़ गोइंग विद समवन एल्स, तो वो एक डीमेरिट हो जाता है, ठीक है, ओके।
डिले इन डिसीजन, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कंपनी में. रेड टेपिज्म का मतलब होता है डिले करना. देखो कंपनी में, अब जैसे आई एम टेलिंग यू समथिंग फ्रॉम द कंपनीज एक्ट. अभी आपने कंपनीज एक्ट वगैरह तो नहीं पढ़ा है, बट कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी आपको मीटिंग कॉल करना है, मेंबर्स की मीटिंग कॉल करनी है, ठीक है, आपको कोई डिसीजन लेना है, मीटिंग कॉल करना है, तो आपको 21 डेज पहले नोटिस दे देना चाहिए. ठीक है, मेंबर्स को नोटिस दोगे तब तो मेंबर्स आएंगे, बिकॉज देर आर मेनी मेंबर्स जो अलग अलग स्टेट में रहते होंगे, देर आर मेनी मेंबर्स हु स्टे इन अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, तो उनको आने का टाइम देना पड़ेगा ना. तो 21 डेज का टाइम देना पड़ता है. यू नीड टू गिव 21 डेज टाइम फॉर द मेंबर्स टू कम इन. ठीक है, तो हालांकि शॉर्ट नोटिस में भी होता है, बट आई एम डिस्कसिंग द जनरल थिंग. जनरली इफ यू वांट टू कॉल अ मीटिंग, आपको 21 डेज पहले नोटिस देना होगा. मतलब अगर आज नोटिस देते हैं तो मीटिंग 21 डेज माने 3 वीक्स के बाद होगा. तो सोचो इतना देर में तो अपॉर्चुनिटी चला जाएगा आपका. आप जिस अपॉर्चुनिटी के लिए मीटिंग कर रहे हैं वो मीटिंग होते होते तक तो अपॉर्चुनिटी चला जाएगा. सो दैट्स अ प्रॉब्लम, थोड़ा डिले कर देते हैं लोग डिसीजन में. सोल ट्रेडर का क्या है, सोल ट्रेडर को किसी से कंसल्ट करने का जरूरत नहीं. सोल ट्रेडर बस सोचता है और काम कर लेता है. बट कंपनी में क्या है, पहले मेंबर्स को बुलाओ, बुलाने में 21 डेज, फिर मीटिंग करो, फिर मीटिंग में बात नहीं बना तो फिर मीटिंग करो, फिर मीटिंग करो, ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आता है इकोनॉमिक ओलिगार्की. नाउ इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है कि पावर जो है कंपनी का, जो पावर है ना वो कुछ लोगों के हाथ में चला गया है. लेट्स सी, ये इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं. जो ओनर्स है एंड एक तरफ मेंबर्स है, ठीक है, एक तरफ ओनर्स होते हैं, एक तरफ मेंबर्स होते हैं. अब ओनर्स कितने हो सकते हैं, आई एम सॉरी नॉट मेंबर्स, मेंबर्स ही तो ओनर है, यहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है, ये मैनेजमेंट वाले होते हैं. और ओनर्स, ओनर्स कितने हो सकते हैं कंपनी में, देर आर केसेस जहां पे कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स भी हो सकते हैं, दे कैन बी अनलिमिटेड. बट डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट में ऐसा बोला हुआ है, आई थिंक सेक्शन नंबर 149 में ऐसा बोला हुआ है कि मैक्सिमम जो है एक कंपनी में 15 डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं. दिस इज एज पर द कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के सेक्शन 149 में ऐसा बोल रखा है कि मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं. जबकि ओनर्स कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड, करोड़ों में भी हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं. अब पैसा कौन लगाता है, पैसा कौन देता है बिजनेस में, पैसा ये ओनर लोग देते हैं. और पैसे को मैनेज कौन कर रहा है, पैसे को मैनेज कर रहे हैं ये डायरेक्टर्स. मतलब करोड़ों लोगों का पैसा ये 15 लोग मैनेज कर रहे हैं. तो ये बात है ना कि पावर जो है ये कुछ लोगों के हाथ में चला गया है. जो इतना बड़ा फंड का कलेक्शन है वो कुछ लोग के हाथ में चला गया है. तो ये एक डीमेरिट है कि अगर इन लोगों ने कोई गलत डिसीजन लिया तो, इन लोगों ने कुछ सेल्फिश डिसीजन लिए तो, अपने फायदे के लिए डिसीजन लिए तो ये एक दिक्कत कंपनीज के साथ है. ठीक है, करप्ट मैनेजमेंट, ये भी हो जाता है. मैनेजमेंट को लगता है कि अरे यार ये शेयर होल्डर तो करोड़ों करोड़ों में, इनको क्या पता चलेगा, हम लोग, इनको तो मैनेज करना आता ही नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कॉमर्स लाइन, वी आर कमर्शियल एक्सपर्ट्स, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें कि शेयर होल्डर्स को समझ में भी ना आए और हमारा भी जेब भरता रहे. तो ऐसा हो सकता है ना, मतलब जब इतने सारे करोड़ों लोगों का पैसा केवल 15 लोग मैनेज कर रहे हैं तो उनको थोड़ा मतलब मन में आ सकता है ना, पैसा देख के किसी का भी वो ना कैरेक्टर बदल जाता है. लास्ट आता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. ये पॉइंट आज तक नहीं हमने पढ़ा था, हम लोग आज तक पढ़ रहे थे सोल ट्रेडर में या पार्टनरशिप में. वी वर स्टडिंग दैट उनको उतना गवर्नमेंट कंट्रोल के थ्रू नहीं गुजरना पड़ता है, तो दे डू देयर बिजनेस फ्रीली. बट कंपनी को क्या है ना, टाइम टू टाइम अपना रिपोर्ट्स, अपने प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, अपने जितने भी अलग अलग टाइप के उनको रिपोर्टिंग है वो सरकार को सरकार को देना पड़ता है. उनको अपना अकाउंट्स जो है उसको भी चेक करवाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट. तो ऑडिट करवाना पड़ता है. तो इसमें क्या है ना, ये लोग बिजनेस फ्रीली नहीं कर पाते, बिकॉज इनको पता है कि हर टाइम गवर्नमेंट वॉच कर रहा है, हर टाइम गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो. जो कंपनी शेयर मार्केट में है उनको तो हर 3-3 महीने में रिपोर्टिंग करना पड़ता है, बाकी कंपनीज को तो एटलीस्ट 1 ईयर में करना पड़ता है. शेयर मार्केट वाले कंपनीज को 3-3 महीने में रिपोर्टिंग करने पड़ते हैं. तो अब आप रिपोर्टिंग करेंगे कि बिजनेस करेंगे, आपका काम बिजनेस करना है, धंधा चलाना है ना, ये काम करना है. बट कंपनीज वाले ना फंस जाते हैं कि अब बिजनेस करें कि पहले ये ध्यान दें कि सरकार को कौन सा रिपोर्ट देना है, तो वो फ्रीडम काइंड ऑफ चला जाता है. ठीक है,
एंड फ्रीली काम नहीं कर पाते जितना फ्रीली शेयर सोल ट्रेडर कर लेता है, जितना फ्रीली पार्टनरशिप वाले लोग कर लेते हैं, उतना फ्रीडम इनको नहीं है। इनके में ना लीगल एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस वगैरह ये सब चलता रहता है, प्लस टैक्सेस भी इनको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, तो ये इनका कुछ डीमेरिट्स है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा लाइक वगैरह सब्सक्राइब एंड ऑल ये सब कर देना, ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे आपको कॉमर्स रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। नोट्स वगैरह आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, एंड वी विल मीट, दिस वॉज चैप्टर नंबर 7, वी विल मीट वेरी वेरी सून फॉर चैप्टर नंबर 8। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन।